हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। वैसे सीपीयू को ज़्यादातर लोग प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। सीपीयू कंप्यूटर का एक ऐसा कंपोनेंट है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कमांड्स को प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है। हर तरह की मॉडर्न डिवाइस जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट कंप्यूटर, बड़े स्मार्टफोन और बड़े फ्लैट स्क्रीन टेलीविजन में भी सीपीयू यूज़ होता है। इंटेल और एएमडी दो सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं जो लैपटॉप, डेस्कटॉप और सर्वर कंप्यूटर के लिए सीपीयू बनाते हैं, जहां एप्पल, क्वालकॉम बड़े स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए सीपीयू बनाते हैं। सीपीयू को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का दिमाग। अब बात करते हैं कि प्रोसेसर दिखता कैसा है। मॉडर्न प्रोसेसर यूजुअली छोटे साइज के और स्क्वायर शेप के होते हैं, जिसके एक तरफ मेटेलिक डॉट्स बने होते हैं जो कनेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। वहीं कुछ पुराने सीपीयूज में कनेक्शन के लिए मेटेलिक पिंस का इस्तेमाल होता था। मदरबोर्ड में सीपीयू को सीपीयू सॉकेट में डायरेक्ट अटैच किया जाता है। सीपीयू के मेटेलिक डॉट्स वाली साइड को नीचे की तरफ करके सीपीयू सॉकेट में इंसर्ट किया जाता है, जहां एक छोटा सा मेटल का लीवर प्रोसेसर को लॉक करता है ताकि प्रोसेसर हिले डुले ना और कोई लूज कनेक्शन ना रहे। सीपीयू में इतनी प्रोसेसेस एक साथ चलते हैं कि सीपीयू कुछ सेकंड चलने पर ही बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसे ठंडा रखने के लिए सीपीयू का एक हीट सिंक और एक फ़ैन के साथ जुड़ा होना हमेशा ज़रूरी है, जो कि सीपीयू के टॉप साइड पे लगता है। सीपीयू के हीट सिंक और फ़ैन सीपीयू खरीदने पर सीपीयू के साथ ही मिलते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो हम सब ने सुनी तो होगी, लेकिन हम में से बहुत से लोग इसके बारे में अच्छे से नहीं जानते होंगे, यानी कि सीपीयू की क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड यानी कि दिए गए सेकंड में सीपीयू जितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है, उसे सीपीयू की क्लॉक स्पीड कहते हैं, जिसे गीगाहर्ट्ज़ यानी कि GHZ में मापा जाता है। जैसे अगर किसी सीपीयू की स्पीड 1 हर्ट्ज़ है, तो वो सीपीयू इंस्ट्रक्शंस का एक पीस हर सेकंड में प्रोसेस करेगा। अब इसका एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिससे हम सीपीयू की क्लॉक स्पीड को थोड़ी आसानी से समझ सकें। जैसे सीपीयू अगर एक कन्वेयर बेल्ट है और इंस्ट्रक्शंस के पीस उस कन्वेयर बेल्ट पर रखे हैं, तो वो कन्वेयर बेल्ट 1 सेकंड में इंस्ट्रक्शंस का एक ही पीस पहुंचाएगी। अब इसका एक रियल प्रोसेसर एग्जांपल लेते हैं। आजकल के मैक्सिमम सीपीयू 3.0 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड के साथ आते हैं। 3.0 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड यानी कि वो प्रोसेसर 1 सेकंड में 3 बिलियन यानी कि 3 अरब इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। अब जो टॉपिक आता है वो है सीपीयू के कोर्स। कुछ डिवाइसेज में सिंगल कोर सीपीयूज होते हैं, लेकिन मैक्सिमम डिवाइसेज में ड्यूल कोर और क्वाड कोर सीपीयू यूज होते हैं। ड्यूल कोर सीपीयू का मतलब है कि एक सीपीयू के अंदर 2 प्रोसेसर यूनिट साइड बाय साइड काम करती हैं, जिसका एक सीधा सा मतलब है कि ड्यूल कोर सीपीयू हर सेकंड में 2 गुना इंस्ट्रक्शंस को साइमल्टेनियसली मैनेज कर सकता है, जिससे सीपीयू की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। सो दोस्तों, आई थिंक कि आप सबको पता चल ही गया होगा कि सीपीयू एक्चुअल में क्या होता है और कितने टाइप का होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दे सकूँ।